हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज डेट है 1 मार्च और हम आ चुके हैं हरिद्वार हर की पैड़ियों पर और आप सब लोगों को घुमाने के लिए। तो कल आए हैं हरिद्वार शाम के टाइम में, करीब हम लोग 12 बजे के आसपास पहुँचे हैं। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो उस ब्लॉग को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो घुमाते हैं आप सब लोग, चलिए देखिए उस ब्लॉग में। हमारे साथ एक सीन भी हो गया था रास्ते में, बस कैसे कैसे पहुंच गए हैं यहाँ तक। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रोड की तरफ से एंट्री मारते बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है, बहुत ही मतलब आनंद आ रहा है यहाँ पे, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतनी भीड़ भाड़ है लेकिन फिर भी दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में, हम काफ़ी जब से आए हैं तब से घूम ही रहे हैं। पहले सोचा था थोड़ा बहुत सो लेंगे लेकिन नहीं, हम मार्केट घूम के आए हैं अभी और अब इधर आके मंदिर की तरफ घूम रहे हैं। तो अब चलते हैं आगे को, देखते हैं क्या नज़ारा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। नाले भाई साहब, नाले मेरा बस की नहीं भाई, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, मेरा बस की नहीं भैया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देख रहा है ये कबीरा तेरा। तो हम हैं हर की पैड़ियों पर, हर की पौड़ी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे छोटे छोटे स्टॉल्स बने हुए हैं, इनमें आप अपनी प्रसाद की दुकान वगैरह मतलब ये पंडित वगैरह बैठे रहते हैं जिससे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। दुकानें लगी रहें सबकी छोटी 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 बने हुए हैं सब में, मतलब ये जितने भी यहाँ पे लोग दुकानें वगैरह लगाए रखते हैं इनमें ही रख लेते हैं, पंडित वगैरह बैठे रहते हैं, बहुत मतलब बहुत लोग दुकान लगा रहते हैं। देखिए मित्रों पानी की रफ्तार और ठंड, लेकिन लोगों की श्रद्धा हार नहीं मान रही है। ठंड को मात दे रही है लोगों की श्रद्धा। सुबह को हम भी कोशिश करेंगे नहाने की। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ठोको ठोको, कमेंट्स कमेंट्स। देखिए मित्रों ये बना हुआ है धनुष की शेप में, और ये पुल बने हुए हैं और इधर चल रहा है स्नान, गंगा स्नान। हमें तो देख के ठंड लग रही है लेकिन सुबह को हम भी कोशिश करेंगे। चलिए अब तो फिलहाल घूमते फिरते हैं, अब लोगों को घुमाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कितनी तेज़ गंगा जी का जल बह रहा है। तो अब इंतज़ाम पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप लोग ग्रिल वगैरह लग चुकी हैं, पहले नहीं थी ये, अब हर जगह लग गई हैं हर तट पे। तो सब में चेन पड़ी हुई हैं और देख सकते हैं सामने पुल के नीचे भी जंजीरें लटक रही हैं पूरी नीचे तक, जिससे कोई मानो अगर तैरता हुआ उधर दूर तक चला भी जाए तो जंजीरों को पकड़ के वापस आ जाए। ग्रिल लगी हुई हैं चारों तरफ, हर जगह जंजीर लग रही है, मतलब एक एक मीटर की दूरी पर जंजीर लगा रखी है। फुल सेफ्टी का इंतज़ाम है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। ठंड लगने लगी है मानो को, जैकेट तो हमने रास्ते में चेंज कर ली थी। शुभ आगमन, बड़ा ही प्यारा पंड देख सकते हैं, अद्भुत दृश्य है रात का। और धर्मस्थी चल रही है गंगा मैया के जल में। तो दोस्तों देख सकते हैं ऐसे नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। और ये देखिए ये है वो पुल जो बिल्कुल धनुष की शेप में बना हुआ है, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही मनमोहक दृश्य, बहुत ही शानदार एकदम। तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्रिल में भी मतलब हर तट पे लगा हुआ है ऐसा ही, यहाँ पे ग्रिल में भी चेन वगैरह लटकी हुई हैं, बहुत ही पुख्ता इंतज़ाम किए हुए हैं सुरक्षा के, तो कोई गलती से गिर भी जाए तो, अगर पुल के नीचे भी हर जगह चेन लटकी हुई है
वहाँ से उसको पकड़ के आसानी से वापस आ सकता है। तो बहुत ही सुविधा के काफ़ी अच्छे इंतजाम रखे हैं। चलते हैं इधर से। मित्रों देख सकते हैं ऐसे जल बहता हुआ कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। देखिए इतनी लाइटें जल रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा दृश्य है। अब चलते हैं इधर नीचे घाट पे को। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग जो ऊपर लाइटें दिख रही हैं बिल्कुल सामने सेंटर में बिल्कुल ऊपर, तो वो है मनसा देवी टेम्पल वहाँ पर। तो हम लोग सुबह को चलेंगे मनसा देवी टेम्पल नहाने के बाद। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। तो मित्रों अगर आप हरिद्वार आए हैं तो आपको पता ही होगा यहाँ पे बहुत सारे घाट बने हुए हैं, उन्हीं में से एक शिव घाट। तो हम इधर आए थे घूमने और इधर देख सकते हैं आप, ये सामने शिव घाट लिखा हुआ है। हमारे फ़ोन में नहीं आ पा रहा है फिलहाल, लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से फोकस नहीं हो पा रहा है। तो अब चलते हैं इधर से, बहुत ही प्यारा बना हुआ है, मतलब हर घाट को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। तो मित्रों देख सकते हैं पुल के ऊपर से बहुत ही प्यारा नज़ारा आ रहा है, ये जल इतने शांत तरीके से बह रहा है, बहुत ही प्यारी आवाज़ आ रही है इसकी। और देख सकते हैं चारों तरफ इतनी प्यारी प्यारी लाइटनिंग हो रही है। हम चल रहे हैं यहाँ से वापस। तो मित्रों हम आ चुके हैं ऊपर, जहाँ यहीं पे पास में बाइक खड़ी हुई है सामने की तरफ को। और अब हम चलते हैं यहाँ से अंदर मंदिर में को नीचे घाट की तरफ को। देखिए पहले आपको नज़ारा दिखाते हैं, बहुत ही प्यारा नज़ारा हो रहा है यहाँ से। देखिए देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही मनमोहक नज़ारा है, एकदम मंत्रमुग्ध नज़ारा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। नीचे स्नान चल रहा है घाट पे दोनों तरफ, देख सकते हैं आप लोग कितनी पब्लिक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मनमोहक एकदम। तो आप चलते हैं नीचे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं नीचे और अभी टाइम लगभग 4 बजने वाले हैं सुबह के, और चलते हैं स्नान करने के लिए। हमारे साथ के भी सब लोग यहीं पे खड़े हैं, चलिए चलते हैं। तो मित्रों आ चुके हैं हम नीचे घाट पे और यहाँ पे करते हैं जल्दी है स्नान, फिर चलना है मनसा देवी मंदिर ऊपर दर्शन करने के लिए। जल्दी से वहाँ पर प्रसाद। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए 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 हम ना आए, ऐसी जी छिप छिपाए ऐसी जी। तो मित्रों मैं एक बार स्नान करने के बाद दोबारा से चला गया था स्नान करने के लिए, तभी थोड़ी देर बाद। जल तो बहुत ठंडा था लेकिन मेरा फिर भी मन किया स्नान करने के लिए, तो मैं चला गया। बहुत ही ज्यादा मजा आया, बॉडी एकदम जम चुकी थी, लिटरली पैर सही से चल नहीं पा रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा मजा आया, ना ठंडा जल रुका था बहुत ही ज्यादा। तो मित्रों नहा धो लिए हैं, अब चलते हैं ऊपर मंदिर पे चढ़ाई करने। तो चल दिए अब मनसा देवी के मंदिर पे। देख सकते हो आप नजारा, सुबह के बजने 4, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, सो मच एक्साइटमेंट। नहाने के बाद तो अलग ही लेवल है एनर्जी का, एक एक बॉडी पार्ट मतलब इतना ठंडा हो गया था ना, ट्रली एकदम 4 degree टेम्परेचर, पानी जमने को तैयार, शरीर तो जमा ही दिया था। वाह चलते हैं अब मनसा देवी पे, चलिए बने रहें वीडियो में, देखते रहें, लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। तो मित्रों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं मनसा देवी पैदल मार्ग पर मनसा देवी मंदिर के लिए। तो अब आपसे मिलते हैं कल के ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।